मैं उन सामईन को पसंद करता हूँ जो सुने इनकलाबी सोच लेकर सुने, जो बैठे पढ़ने की नीयत से बैठे, जो यहाँ शोर होगा करने के लिए ना आए, जिनका मकसद ये ना हो, चले जलसे पे मौज मस्ती होगी, शोर होगा होगा, हा हा बू 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 बू। हमें ऐसे सामईन की जरूरत नहीं, असी रज्जे अपनाइए जिदे सामईन को। हमें वो लोग चाहिए जो खत्मे नबूवत के लिए किसी बात को समझने वाले हो, जो किसी बात को अपने दिल में बिठाने के लिए तैयार हो। तहफ्फुज़ अकीदा खत्मे नबूवत दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया मुआविनीन अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान, मरकजी जमीयत अहले हदीस के बुजुर्ग और बिलखसूस प्यारे भाई हाफिज अब्दुल मन्नान साजिद साहब, इन्हां दी पूरी टीम, दोस्त अहबाब, जिन भाइयों मेहनत कोशिश की, अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, आमीन। फिर कहो यकीनन काफ़ी अरसे तो मेहनत कर रहे सन, इश्तहार बनाए लगवाए, साउंड वीडियो वाले भाई, कैमरामैन, इंतजामों एहतमाम, यकीनन खर्चा भी बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक हर भाई का हर तरह का ताउन कबूल फरमाए, भाई अब्दुल मन्नान साजिद साहब दियाँ मेहनत मुहब्बत कबूल फरमा के अल्लाह पाक इस कॉन्फ्रेंस को साढ़े सबना वास्ते नजात का जरिया बनाए, उची आमीन को। प्यारे भाई खतीब इस्लाम मौलाना अताउर रहमान शाहीन साहब, अल्लाह पाक तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, कायदे जिला, अमीर जिला, मुनाज़िर इस्लाम हाफिज गुलाम अल्लाह मुहम्मदी साहब हाफिज़ाउल्लाह ताला, मोहतरम भाई ज़ियाउर रहमान अरशद साहब, तमाम उलामा, अल्लाह पाक सबना दी हाजरी कबूल फरमाए। मेरे तो कबल मुल्क दे नामवर उलामा खताब फरमा चुके ने। प्यारे भाइयों अगर बयान करिए तकरीबन घट तो घट कोई अद्धा पौना घंटा लगाइए तो मगरब दे तुसा तशरीफ फरमाओ, टाइम फिर काफ़ी दूर चला जाएगा। तो मैं भाई अताउर रहमान शहीन साहब अगे गुजारिश की, भाई अब्दुल मन्नान साजिद साहब अगे, कि मैं मुकामी हाँ, मैं यकीनन मेज़बान थे, इन भाइयों ने इसरार किया, लेकिन मैं मैक दे सामने आके इन भाइयों को और तमाम भाइयों को माजरत कर दें, खुद दावत देन लगा। खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान कारी मोहम्मद बिन्यामीन आबद साहब के खताब फरमान आली शान, अल्लाह पाक आफ साहब का आना लंबा सफ़र तय करना कबूल फरमाए, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर अल्लाह पाक ने मौका दिता या फिर मस्जिद अंदर आके स्पेशल मैं इंशाअल्लाह हाजिर होवांगा और इंशाअल्लाह दरसे कुरान इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दी रहमत और तौफीक नाल आइंदा महीने बाद नमाज़े मगरब या इशा जो मैनू भाई कहेंगे घंटा डेढ़ घंटा मैं दर्स दे के जाऊँगा इंशाअल्लाह। प्यारे भाई खतीबे पाकिस्तान मौलाना मुहम्मद हुसैन मदनी साहब वो भी तशरीफ फरमा ने। अगर मैं शेर सुनावा तो फिर आज जी घंटे की कुरबानी ये तो फिर घट जानी है, आज मेरे सारे टाइम की कुरबानी कबूल करो। खतीबे पाकिस्तान हाफिज बिन्यामीन आबद साहब का खिताब सुनो तो इंशाअल्लाह आइंदा माह मस्जिद अंदर मैं दर्स दांगा। तो यह मेरा भरा जे मौलाना अब्दुल्ला दानश, ओ बुरे वाले तू ए शील्डा हर खतीब वास्ते बुरे वाले तू तैयार करके ले आए ने और दोपहर दे आके इंतजाम इतमाम भी किया। भाई अब्दुल्ला दानश दी मेहनत भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हाफिज अब्दुल गफार साहब इलाके की पहचान ने, साढ़े प्यारे भाई जान ने, अल्लाह पाक हाफिज अब्दुल गफार साहब न तंदरुस्ती अता फरमाए और जिस जगह पर प्रोग्राम हो रहा है जिस भाई का डेरा है और अल्लाह दिता डोगर साहब अल्लाह पाक रहमतां फरमाए, हर तरह का तावन भाई अब्दुल मन्नान साजिद साहब ना अल्लाह पाक इन भाइयों का तावन कबूल फरमाए। बगैर तकरीर तो इंशाल्लाह शील्ड में लै चलना, तकरीर आंदा मां इंशाल्लाह हो जाएगी ते हाफिज साहब का बयान सुनो जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین دے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن دے نہیں آیا جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدین دے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین دے نہیں آیا مختصر حمد و صلات تو بعد میرے تو قبل للکار شہین جناب محترم بھائی مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی تہاڈے سامنے مختصراً چند ایک معروضات پیش کر چکے نے اور اپنے وقت دی قربانی دے چکے نے اللہ پاک انہاں دی عزت اندر علم اندر عمر اندر اللہ برکت فرمائے مولانا عبدالحق حقانی حافظہ اللہ تعالی دلائل المزین بڑا ہی سنجیدہ فکر انگیز خطاب فرما چکے نے دیگر علماء کرام نے بھی خطابات فرمائے نے اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے محترم بھائیو عموماً بساں پیچھے رکشیاں پیچھے ٹرکاں پیچھے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے اور جملہ ہوندا ہے
कि नसीब अपना अपना। बड़ा सही जुमला है कि हर बंदे दा नसीब अपना अपना है। मेरा वखरा नसीब है, तुहाडा वखरा नसीब है, बैठे आपां इको ही जगह ते आ, लेकिन नसीब सारियां दे वखरे वखरे। एक मां दे बतन विचों छे बच्चे पैदा होंदे ने, मां बाप इको ही ने, लेकिन नसीब उन्हां दे वखरे वखरे। मैं तुहाडे नसीब नूं नहीं पहुँच सकता, तुसीं मेरे नसीब नूं नहीं पहुँच सकते। मेरे अपने मुकद्दर ने, तुहाडे अपने मुकद्दर, तुसीं मेरे मुकद्दरां नूं नहीं पहुँच सकते। मैं तुहाडे मुकद्दरां नूं नहीं पहुँच सकता, ते आपां सारी दुनिया दे लोग रल के सहाबा दे मुकद्दरां नूं नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्होंने मुकद्दर बड़े उच्चे बनाए। और उन्होंने मुकद्दर की एक बड़ी शानदार मिसाल मैं तुम्हें देना चाहना। असी सारी जिंदगी दुआवां करने, वजीफे पढ़ने, सदकात खैरात करने, और भी बड़िया नेकियां करने हैं, इस गर्द नल के सानू नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी ज़ियारत हो जाए। लेकिन जिंदगियां बीत जांदियां ने, ते ख्वाब अंदर कमली वाले दा दीदार नहीं होंदा। साडी हालत है वे कि सानू सारी जिंदगी च एक वारी भी कमली वाले दा दीदार नहीं हुंदा, ते सहाबा ओ सन जिहड़े एक एक दिन विच कई कई वारी दीदार कर लैंदे सन। फजर वक्त दीदार, जुहर वक्त दीदार, मगरब वक्त दीदार, इशा वक्त दीदार, और कदी कदी एक्स्ट्रा दीदार हो जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाना, मकानकुम मकानकुम, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। सहाबा बह जाना, नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम मिंबर ते बिराजमान हो जाना, आपने खिताब फरमाना। सहाबा इकराम ने आप दी जुबान मुबारक विचों निकल वाले प्यारे प्यारे मोती भी अपनियां झोलियां अंदर पाने, ते नाले कमली वाले दा एक्स्ट्रा दीदार करना। यकीनन उन्हां दे मुकद्दर नूं असीं नहीं पहुंच सकदे, अल्लाह पाक ने उन्हां दे नसीब ते बख्त बड़े बुलंद बनाए। और कुरान करीम दी मुख्तलिफ आयात अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उन्हां दे फजाइल खसाइस दा जिक्र फरमाया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अल्लाह पाक ने तकरीबन 7-750 आयात अंदर उन्हां दी अजमत फजीलत और मुकाम दा जिक्र फरमाया। उन आयात विचों एक आयत दा कुछ हिस्सा मैं हुणे तुहाडे सामने तिलावत करन दी सआदत हासिल कर चुकिया हाँ। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि उसी आयत दे राउंड अबाउट तुहाडे सामने चंद एक मारूजात पेश कर सकां। अल्लाह सुबहानहु व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद नबी पाक दा नाम आए दरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल सादा कर दुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दा नाम आए दरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल ज़ौक नाल शौक नाल अदब नाल पढ़ना है, ते सारियां पढ़ना है जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक दे नादर होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فرمایا کائنات دے لوگو محمد الرسول اللہ محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ او اللہ دے رسول نے رسول اللہ او اللہ دے پیغمبر نے رسول اللہ او اللہ دے نبی نے رسول اللہ او اللہ دے نبی بھی آخری نبی نے رسول اللہ او اللہ پاک دے رسول بھی نے تے آخری رسول نے رسول اللہ او اللہ پاک دے پیغمبر بھی نے تے آخری پیغمبر نے کی مانا اللہ پاک نے آپ تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے میرے نبی پاک تو بعد بڑے بڑے آن گے پر کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں پیغام محبت اج پیش کرنا چاہنا مینو کہ فلانا بندہ چاچے میں من لواں گا مینو کہ فلانا بندہ فقیر میں من لواں گا مینو کہ فلانا بندہ شیخ الحدیث میں من لواں گا مینو کہ فلانا بندہ مقدس میں من لواں گا مینو کہ فلانا بندہ امام میں من لواں گا جو کہیں گا میں من لواں گا اگر تو کہے اللہ دے نبی تو بعد فلانا بندہ نبی ہے پیدا کرن والے رب دی قسم ہے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکدا ہے زمین اندر دراراں دے سکدیاں نے سمندراں دے اندر اگاں لگ سکدیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکدا ہے اور روز قیامت قائم ہو سکدا ہے کملی والے تو بعد کسے نو نبی منیا جا سکدا نبی پاک تو بعد کسے نو نبی نہیں منیا جا سکدا کیونکہ میرے پیغمبر دے اللہ پاک نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار ختم نبوت کی کانفرنس ہے اور میں آپ کے سامنے ایک شکوہ بھی رکھنا چاہتا ہوں حضرات دی وقار ہم بینر چھپواتے ہیں ہم اشتہارات لگواتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں علماء کرام کو بلاتے ہیں اسٹیج سجاتے ہیں کھانا پکاتے ہیں محنتیں کرتے ہیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں رات کے 1:30-2 بجے تک ہم بیانات سن کر چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر مسئلہ ختم نبوت ہے کیا اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے صبح تہاڈے کولو جو بار کو بندہ پوچھ لے یار مینوں 5 منٹاں وچ شارٹ کٹ کر کے دس ملا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کی ہے تے تسی سجے ویکھو گے پھر تسی کھبے ویکھو گے پھر تسی تھلے نظراں کر لو گے تے پھر تسی چپ کر جاؤ گے کیا فائدہ بیٹھنے کا کیا فائدہ آپ کے آنے کا اگر ہم آپ کو 5-10 منٹ میں عقیدہ ختم نبوت سمجھا نہ سکے تو آئیے اسی غرض سے میں آپ کو مختصراً شارٹ کٹ بتاؤں کہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا توجہ کرنا تاکہ تنبات سمجھ اندر آ جائے اللہ اللہ توجہ کرنا
जिहड़ी चीज भी शुरू हुई है उन्हें मुकना ही मुकना है, दिन शुरू होया है उन्हें मुकना ही मुकना है, रात शुरू हुई है उन्हें मुकना ही मुकना है, जलसा शुरू होया है इन्हें मुकना ही मुकना है, साडियां जिंदगियां शुरू होईयां ने इन्हां ने मुकना ही मुकना है। बिल्कुल इसे तरीके नाल अल्लाह पाक ने सिलसिला नबुव्वत नूं भी शुरू फरमाया, सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो सिलसिला नबुव्वत चलिया, चलदा 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 सिलसिला नबुव्वत भी खत्म हो गया। हजरत दीवकार ईसाई कहिंदे ने सिलसिला नबुव्वत हजरत ईसा पैगंबर ते खत्म हो गया, यहूदी कहिंदे ने सिलसिला नबुव्वत हजरत मूसा पैगंबर खत्म हो गया, असी मुसलमान कहने सिलसिला नबुव्वत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खत्म हो गया। हजरत दी बकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते सिलसिला नबुव्वत मुक गया, आप अल्लाह दे आखरी नबी ने, ऐसी कोई दलील कुरान अंदर कोई नहीं, ऐसी कोई दलील तौरात अंदर कोई नहीं, ऐसी कोई दलील इंजील अंदर कोई नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे आखरी नबी ने, ऐसी कोई दलील इंजील विच मौजूद कोई नहीं, ऐसी कोई दलील कुराने पाक अंदर मौजूद कोई नहीं, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे आखरी पैगंबर ने, इहदे बेशुमार दलाइल किताब सुन्नत अंदर मौजूद ने, और कुराने पाक दी एक आयत सूरह सफ दी आयत नंबर 6 पढ़ के देखिए, ऐसी आयत इस आयत अंदर सारियां दलीलां मौजूद ने, हजरत मूसा पैगंबर आखरी नबी नहीं, दलील आयत नंबर 6 अंदर, तौरात आखरी किताब नहीं, सूरह सफ दी आयत नंबर 6 अंदर दलील, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखरी पैगंबर नहीं, दलील सूरह सफ दी आयत नंबर 6 अंदर, इंजील आखरी किताब नहीं, दलील सूरह सफ दी आयत नंबर 6 अंदर, बल्कि इन नबियों तो बाद भी सिलसिला नबुव्वत चलिया मेरे नबी तक पहुंचिया, दलील सूरह सफ दी आयत नंबर 6 अंदर, अल्लाह अल्लाह पे कुर्बान जावा, कभी पढ़िया करो रब दे कुरान नू, अल्लाह दा वास्ता है, ओ खुदा दा वास्ता है, हाथ बन के गुजारिश करना वा, कदों दे सुनी जांदे हो ते पढ़दे कोई नहीं, खुद भी पढ़ लिया करो, मोबाइल ते मैसेज पढ़ सकदे हो, ए लिखे बोर्ड पढ़ सकदे हो, नहीं पढ़ सकदे हो ते कुरान दा तर्जमा नहीं जे पढ़ सकदे। हजरत दी बकार जलसियां दा मतलब ए नहीं बह जाइए, हस लईए, हाहा कर लईए, नारे ला लईए, उठ के चले जाइए, जे मैं तुहाडे पल्ले कुछ ना पावा, यकीन जानो मैं अपने आप नु मुजरम समझना वा, लिहाजा इस वास्ते सूरह सफ दी आयत नंबर 6 दा तुसी सारियां करे जाके तर्जमा पढ़ना है, इको आयत सूरह सफ दी आयत नंबर 6 अगर तुसी पढ़ लोगे तुहाडे सारे शिकायत दूर हो जाणगे, ए जिन्नियां गल्लां मैं कीतियां ने सारे दलाइल दे अंदर मौजूद ने, सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम नू अपने उम्मतियां नू मुखातब होके फरमांदे ने, वाइज़ काला ईसा बिनु मरियमा या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैन यदैया मिनत तौराती व मुबशिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जा بَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ मैं तर्जमा मफहूमन जिक्र करांगा, हजरत ईसा पैगंबर फरमाते ने, ऐ बनी इसराइल के लोगो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का नबी बना के भेजा गया हूँ, मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया मैं उस किताब की तस्दीक के लिए आया हूँ जो मुझसे पहले नाज़िल हो चुकी है, उस किताब का नाम तौरात है। हजरत ईसा कहते ने मैं तुहाडे कोल तस्दीक करना आवा, केड़ी किताब दी जिहड़ी मेरे तो पहले
पहले नाजल हुई है। उस किताब का नाम तौरात है। बच्चा बच्चा जानता है मुसलमानों का होवे यहूदियों का होवे ईसाइयों का होवे बच्चा बच्चा जानता है तौरात किस नबी ते नाजल हुई। तौरात हजरत मूसा ते नाजल हुई। लिहाजा हजरत ईसा ने जदों आखिया मैं उस किताब की तस्दीक के लिए आया जो मुझसे पहले नाजल हो चुकी। हजरत ईसा पैगंबर दे ना जुमलिया ने दो दलील फराम कर दिया। एक ते दसिया तौरात आखरी किताब नहीं नाले भी पता लग गया जिस नबी ते तौरात नाजल होई गए वो नबी भी आखरी नहीं। अगर नबी आखरी हुंदा उदे तो बाद ईसा पैगंबर ना आंदे। अगर किताब आखरी हुंदी उदे तो बाद इंजील ना आंदी। अगे हजरत मूसा के हजरत ईसा फरमांदे ने वा मुबशिरन बिरसूलियाति और मैं खुशखबरी देने के लिए आया हूँ मेरे बाद मेरे बाद मेरे बाद वा मुबशिरन बिरसूलियाति मिन बाद इस्मुहु अहमद मैं खुशखबरी देने के लिए आया मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और जब हजरत ईसा पैगंबर ने आख्या मैं खुशखबरी देना आया मेरे तो बाद एक नबी आएगा हजरत ईसा पैगंबर दे इस जुमले ने सानू फिर दो दलीलां दे दित्तियां। हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं हजरत ईसा पैगंबर दी आन वाली किताब लिहाजा मेरे नबी तक नबूवत का सिलसिला पहुंच गया। जदों नबी पाक तक सिलसिला नबूवत पहुंच गया साबित हो गया पहले नबियों चो कोई नबी आखिरी नबी नहीं पहले नबियां दिया किताबां जो किताब आखरी नहीं। और मेरे नबी तो अगे चलिए मेरे नबी ते किताब नाजल हुई उस किताब का नाम कुरान पाक है। कुरान पाक अंदर वादे लिखे है अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाके रसूल अल्लाह व खातम नबीन व खातम नबीन मा काना मोहम्मद नहीं है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहद मिन रिजालिकुम तुम मर्दों में से किसी के हकीकी बाप वलाके रसूल अल्लाह मगर वो अल्लाह के रसूल हैं व खातम नबीन और खातम नबीन हैं। बाद लोगों ने इतराज किया खातिम का माना तो मोहर है। हजरत दी बकार खातिम का लफ्ज नातल किस पे हुआ मुहद्दिस का माना तो मैं तब मानूं जब ये आयत तो मुहद्दिस पर नाजिल हुई हो। इतराज करने वाले का इतराज तो मैं तब मानूं जब ये आयत इतराज करने वाले पर नाजिल हुई हो। आओ सारे झगड़े मुक गए सारियां लड़ाइयां मुक गईयां जिदे उत्ते आयत नाजिल ती हुंदी है सब तो बेहतर माना त्यो दस सकदा है ना जिदे उत्ते आयत आसमाना तो उतरी गए मेरे पैगंबर ते आसमान तो अल्लाह पाक ने सैदन दूर फरमाया है महबूबा झगड़ा पै गया है रौला पै गया है वो खातम दा माना मोर पिया करदा है वो खातम दा माना कुछ होर पिया करदा है तुसी आप ही कर दियो ना क्योंकि नादल जो तुहाडे उत्ते आए तो ही है। ते मेरे पैगंबर ने फरमाया रवायत मुख्तलिफा दी संदर मौजूद सिक्के बंद रवायत नबी पाक रिज़लातो सलाम फरमांदे ने पर मैं कायनात दे लोगों गौर नाल सुन लो मेरे तो बाद नबी कोई नहीं आएगा अना खातमुन नबीयीन उठ गया खब मा काना मुहम्मद और अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाके रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन जेड़ा लफ्ज कुरान अंदर है ओही लफ्ज हदीस अंदर है। कुरान हदीस दी तशरीह बयान पे कर दिए कुरान हदीस नु वादे पे कर दिए फरमाया कायनात दे लोगो मैं हूं खातमुन नबीयीन महबूबा माना बयान कर दो ताकि झगड़ा न रहे लड़ाई न रहे इख्तलाफ न रहे इश्काल न रहे शुबहात न रहे सीने साफ हो जाए। फरमाया आना खातम
خاتم النبیین لا نبی آبادی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرات دی وقار قرآن بھی حدیث بھی یہ سارے دلائل کٹھے کر کے جڑا مسئلہ نکلیا مسئلہ اے وے قرآن کتاباں وچوں کتاب آخری میرے نبی دی مسجد نبی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اے امت امتاں وچوں امت آخری میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچوں بات آخری ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ رکھنا مینوں پتہ ہے قوم سُتی پئی ہے میں تے اپنی ڈیوٹی پوری پیا کرنا تاکہ اللہ دے ہاں مجرم نہ بنا سانوں بڑی دیر دا پتہ ہے تسی سُتے پئے ہو تسی سُتے نہ ہوندے تے سریر اندر کچھ نہ ہوندا تسی سُتے نہ ہوندے ہور بڑے کم نہ ہوندے تسی سوو آرام کرو تہاڈا کی تعلق ہے قرآن نال دکاناں کھولیا کرو پٹھے وڈیا کرو موبائل چلایا کرو موجاں کریا کرو تہاڈا کی تعلق ہے تسی اپنیاں موجاں وچ رہو ساواں ریسٹ کرو اللہ 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 توجہ کرنا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیمدر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار منٹ گن لو ویڈیو کر لو ریکارڈنگ کر لو موبائلاں تے چیک کر لو آ کنی کو دیر دی تقریر ہے ود تو ود 10 منٹ ہون گے آ 10 منٹاں دے اندر میں تانوں عقیدہ ختم نبوت چھوٹا جا کر کے شارٹ کٹ کر کے تانوں سمجھان دی کوشش کیتی ہے تے بھائی جان گل سیدھی سیدھی ہے جن نے سمجھنا نہیں اٹھ کے چلا جائے جن نے یاد کرنا نہیں اٹھ کے چلا جائے جن نے کل صبح سورہ سب کی ایت نمبر 6 دا ترجمہ پڑھنا نہیں ہاتھ بنی کھڑا نہ بوے تھے انہوں کوئی لوڑ نہیں تھے بیٹھن دی میں مستقل مزاج بندے چاہتا ہوں میں ان سامعین کو پسند کرتا ہوں جو سنے انقلابی سوچ لے کر سنے جو بیٹھے پڑھنے کے نیت سے بیٹھے جو یہاں شور و ہوگا کرنے کے لیے نہ آئے جن کا مقصد یہ نہ ہو چلے جلسے پہ موج و مستی ہوگی شور و ہوگا ہوگا ہا ہا بو 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 ہو ہمیں ایسے سامعین کی ضرورت نہیں اسی رجے اپنائیے جدے سامعین کرو ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ختم نبوت کے لیے کسی بات کو سمجھنے والے ہو جو کسی بات کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے تیار ہو جنہیں سمجھنا نہیں تے جنہیں پائی یاد کرنا نہیں مہربانی اٹھ کے چلا جاوے بندے 3 بیجن پر او بین جڑے کام دے ہون پہلے بندے 100-200 دی سانو لوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا جے تسی 10 منٹ واسطے ریکارڈنگ کٹ کے ختم نبوت یاد نہیں کر سکدے تے پھر ایویں 4-5 گھنٹے دا جلسہ سنن بیٹھے ہو کی لین آئے ہو ختم نبوت دا اینا کو موضوع یاد نہیں کر سکدے اینا کو میسج یاد نہیں کر سکدے پھر کیا فائدہ پائی جان اپنے بہن دا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراو فرمایا محمد الرسول اللہ محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ واللہ دے رسول نے اللہ سنیا اے تعارف تے ہو گیا اور اپنے نبی دا کسی ہور انداز نال تعارف کرواؤ جدوں بھی کسی بندے دا تعارف کیتا جاندا اے نا پہلو دا منصب ویکھیا جاندا اے او دا ویکھیا جاندا اے او دے تو بعد پھر او دے فضائل تے گل
अल्लाह जानती है ये बंदा है किवें दा, एदा किरदार किवें दा, एदा अखलाक किवें दा है। अल्लाह जी तुसी अपने महबूब का मनसब बयान फरमाए, अपने महबूब पैगंबर दे दादा ते उन्हां दीआं जनाब डिग्रियां दा जिक्र फरमाए, उन्हां दे खत्मे नबूवत दे ताज दा जिक्र फरमाए। अल्लाह जी तुहाडे महबूब पैगंबर दी सीरत की है, अगर तुहाडे नबी दी सदाकत वेखणी होवे किवें पता चलेगा, अगर तुहाडे नबी दी अदालत दा पता लवाना होवे किवें पता चलेगा। अगे पढ़ लो, अगे पढ़ लो, अगे की आया वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफारी रहमाउ बैनहुम। ओ कायनात दे लोगो, अगर मेरे पैगंबर दी सदाकत वेखणी है सिद्दीक नूं वेख लो, अदालत वेखणी है फारूक नूं वेख लो, मेरे नबी दा हया वेखणा है उस्मान गनी नूं वेख लो, मेरे नबी दी शजाअत वेखणी है अली मौला नूं वेख लो, मेरे पैगंबर दी फकाहत वेखणी है अबू हुरैरा नूं वेख लो, मेरे पैगंबर दा तफक्कुर वेखणा है इब्ने अब्बास नूं वेख लो, मेरे पैगंबर दा सबर वेखणा है बिलाल हबशी नूं वेख लो, मेरे पैगंबर दी जुर्रत वेखणी है हसनैन करीम नूं वेख लो, मेरे पैगंबर दा तहम्मुल वेखणा है हजरत दी वकार अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नूं वेख लो। मेरे पैगंबर ने अपनी सीरत अपने यारां विच कायम कर दित्ती, मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा नूं तराशिया, हीरे बनाए मेरे पैगंबर ने, हीरे तराशे मेरे पैगंबर ने। फरमाया वल्लज़ीना माहु, पर बाद मुफसरीन ये कुरान करीम की आयात का एक एक जुमला अल्लाह के पैगंबर के एक हिस्से के सहाबी के लिए बयान करते हैं। फरमाते वल्लज़ीना माहु, एदे तो मुराद अबू बकर सिद्दीक ने। वल्लज़ीना माहु दा की माना नबी पाक दे नाल 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 हर वक्त नाल नाल, मेरे पैगंबर सफर अंदर सिद्दीक सफर अंदर, मेरे पैगंबर हदर अंदर सिद्दीक हदर अंदर, मेरे पैगंबर मक्के अंदर सिद्दीक मक्के अंदर, मेरे पैगंबर मदीने अंदर सिद्दीक मदीने अंदर, मेरे पैगंबर बदर अंदर सिद्दीक बदर अंदर, मेरे पैगंबर हुद अंदर सिद्दीक हुद अंदर, मेरे पैगंबर खंदक अंदर सिद्दीक खंदक अंदर, मेरे पैगंबर तबूक अंदर सिद्दीक तबूक अंदर, मेरे पैगंबर फतह मक्का अंदर सिद्दीक फतह मक्का अंदर, मेरे पैगंबर सुलह हुदैबिया अंदर सिद्दीक सुलह हुदैबिया अंदर, मेरे पैगंबर गार अंदर सिद्दीक गार अंदर, मेरे पैगंबर मदार अंदर सिद्दीक मदार अंदर। कल कयामत दा दिन होएगा मेरा नबी खौज़े कौसर ते होएगा, सिद्दीक उथे भी मेरे नबी दे नाल होएगा, सिद्दीक उथे भी मेरे नबी दे नाल होएगा। इक मेरे नबी दा हम सफर, इक मेरे नबी दा हम सफर, सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर बोलना पैगा, मोहब्बत ना बोलो दरा, जिड़ा जिड़ा सिद्दीक अकबर दा प्यार कर दरा मोहब्बत ना बोलना। एक मेरे नबी दा हम सफर, सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर, सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर, जिड़ा नबी नाल फिर के गली गली सिद्दीक उमर उस्मान अली। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा हज़राते दी वकार के जुमला किया है, फरमाया अशिद्दा अलल कुफार, काफरां वास्ते गर्म बड़े ने, काफरां वास्ते सख्त बड़े ने, काफरां वास्ते मुस्तैद बड़े ने, काफरां वास्ते तैयार बड़े ने, कौन भला कौन भला। सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला सिद्दीक आए मुरीद बन के, उस्मान आए मुरीद बन के, अली आए मुरीद बन के, तलहा आए मुरीद बन के, साद आए मुरीद बन के, शहीद आए मुरीद बन के, सारे मेरे नबी दे सहाबा मुरीद बन के आए ने, फारूक आदम मेरे नबी दे मुराद बन के आए ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ऐन उमर वधे उस मोमिन दी, ऐन उमर वधे उस मोमिन दी, जिड़ा उमर दी कदर नूं जानदा है अल्लाह समझ देवे उस कमले नो, जिड़ा उमर दी कदर घटावंदा है पुछ कदर उमर दा साईं कोलो, पुछ कदर उमर
तारीख का चश्मा नत जावे फिर उमर समझ बिच आवदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा पर मैं शिदा वाला गुफारे। अगला जुमला मोहब्बत तो प्यार दिल विच रखण वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर आए। मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का कुआ मौजूद नहीं, एक कुआ उस पर भी कब्जा है यहूदी का, पर मैं कौन है जो ये नेकी लेगा। सैयद नाजरत उस्मान गनी आगे बढ़े, आधा कुम्मा खरीद लिया, आमिलान कर दिया, एक दिन फ्री पानी मिलेगा, दूसरे दिन यहूदी पानी बैठा रहे, कोई पानी लेने के लिए तैयार नहीं। उन्हें आख्या अगला भी तू खरीद ले, सारा कुम्मा खरीद दिया। सीरत उस्मान ने किताब अंदर में वाकया पढ़िया है, सीर सहाबा किताब भी मौजूद है। हजरत उस्मान गनी ने उदे विच एक प्याला पानी का भर लिया। मेरे नबी की खिदमत के अक्दस के अंदर आदर है, महबूब ओ कुमा जिदे बारे तुझे फरमाया मैं खरीद के बक बक कर दिता है, ऐ प्याला पानी दा फर्क उहदे विचो तुहाडे लई लै करके आंदा ताकि तुसी पियो। मेरे पैगंबर ने अपने हाथ मुबारक अगे कीते, हजरत उस्मान अर्दा करदे ने नहीं नहीं सुनिया, इंज नहीं, अच्छा फिर किंज उस्मान। महबूबा दिल करता है हाथ मेरे घुमण होंठ तुहाडे घुमण, पिलाण वाला उस्मान होवे, पीण वाला मीना दा दुर्रे यतीम होवे। कौन कहता है कि तुम और हम में जुदाई होगी, ये खबाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। इंज करके मेरे नबी दे लबाब दे प्याला लगाए, मेरे पैगंबर ने पानी नोश फरमाया, मेरे महबूब सलाम फरमाते उस्मान असी तेरा बदला जल्दी ला देना। महबूबा माना की है, फरमाया माना है वे आज हाथ तेरे सन होंठ मेरे सन, बड़ी जल्दी वक्त आएगा उस्मान, होंठ तेरे होने गे हाथ मेरे होने गे और जाम हौदे कौसर दा पएगा। अल्लाह अल्लाह रुतबा खुदा वदाया उस्मान बा खयादा, रुतबा खुदा वदाया उस्मान बा खयादा, अरशे बरीत चर्चा चर्चा, अरशे बरीत चर्चा सखियों दे पेशवादा। रुतबा खुदा वदाया उस्मान बा खयादा, वफा चेक करो उस्मान गने दी, सरकार जी न खुश मैं ना तवाफ कर सा, महबूब नाल जी सा महबूब नाल मर सा, वेखो प्यारे दे दिल दे अंदर कितना दर्द है मुस्तफा दा। रुतबा खुदा वदाया उस्मान बा खयादा, खालके कायनात दा कुरान सुनिए, फरमाया अऊजु बिल्लाहि मिनश الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। चौथा जुमला फरमाया तराहुम रुका सुजादा रुका सुजादा, कौन कौन ए अली उल मुर्तदा अली अली नमाजी अली अली तहज्जुद गुजार अली अली शब जिंदादार अली अली प्यार ही प्यार अली अली हमदर्द अली अली बेहतर अली अली बरतर
अली 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 आला अली 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 बाला अली 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 मोमिन अली अली मुत्तकी अली अली परहेदगार अली अली रब दे बले अली अली शेरे जले अली शेरे बबर अली अली जुल्फकार अली अली हैदरे करार अली अली फातिहे खैबर अली अली असदुल्लाहिल गालिब अली अली मेरे नबी दे प्यारे अली अली सिद्दीक दे प्यारे अली अली उस्मान दे दुलारे अली अली उस्मान गनी दे प्यारे ते उमर दे प्यारे अली अली मेरे नबी दे पीर अली अली वहाबियां दे पीर अली अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सुती कौम कोई गल नहीं इन्हनू तंग न करो इन्हनू तंग न करो बेचारियां नू अल्लाह तर सिखा इन्हां बेचारियां दे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना अली नाल मोहब्बत नहीं करनी फिर करनी के दे नाल मैं वो दिल नहीं चाहता जिस दिल में अली की मोहब्बत न हो मैं वो कलम नहीं चाहता जो कलम अली पाक की इज्जत न लिखे मैं जुबान नहीं चाहता जो जबान अली के मुर्तदा की मनकबत न लिखे मुझे वो दिल चाहिए जिस दिल में आले बैत का प्यार हो जिस दिल में सहाबे रसूल का प्यार हो जिस दिल में आले अली का प्यार हो जिस दिल में आले अकील का प्यार हो जिस दिल में आले मोहम्मद का प्यार हो जिस दिल में आले अब्बास का प्यार हो जिस दिल में उम्मातुल मोमिनीन की मोहब्बत हो मैनू कलम चाहिए जिड़ा कलम सहाबा वाले बैत दे आले रसूल दी इज्जत लिखे मैं उस कलम नू पन ना देवा जिड़ा कलम अलीर मुर्तदा दा बुगद लिखे मैं उस कलम नू अग विच सुट ना देवा जिड़ा कलम अलीर मुर्तदा दा बुगद लिखे मैं उस दिल नू सीने चो कढ के पारा पारा ना कर देवा जिड़े दिल अंदर अलीर मुर्तदा दा बुगद होवे मैं ऐसा दिल अपने सीने अंदर नहीं चाहता मुझे वो दिल चाहिए जो दिल आले बैत के मोहब्बत के साथ सरसार हो मैं अहले बैत दा नौकर नहीं अहले बैत दा नौकर नौकर खां सहाबा दा जन्नती लोग ने सारे अकीदा कर मुसलमान दा मैं अहले बैत दा नौकर मेरे दिल विच मोहब्बत गए मोहम्मद दे घराने दे करा मैं सारी उमरानो करी इस आशियां ने दे अली हसनैन ते दगरा अली हसनैन ते दगरा ते विरसा अगले ईमान दा मैं अहले बैत दा नौकर मैं नौकर हां सहाबा दा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा और जाते जाते आखिरी पैगाम मेरा नोट कीजिए जैसे मैंने आपको खत्मे नबुव्वत के लिए एक पैगाम दिया यहाँ सहाबा इकराम आले बैत के लिए भी एक पैगाम देता हूँ मैं ये नहीं कहता जैसे कहा जाता है हाथ उठाओ और बताओ सिद्दीक के लिए लड़ोगे फारूक के लिए लड़ोगे उस्मान गनी के लिए लड़ोगे अली मुर्तदा के लिए लड़ोगे मैं आपको ये नहीं कहता मैं आपको ये कहता हूँ बस सिद्दीक को पढ़ोगे फारूक आदम को पढ़ोगे उस्मान गनी को पढ़ोगे अली मुर्तदा को पढ़ोगे मेरी माओ बहनों तुम सैयदा फातिमा को पढ़ोगी तुम सैयदा आयशा को पढ़ोगी जब पढ़ोगे तो लड़ने का वक्त नहीं आएगा लड़ने की नौबत नहीं आएगी ये लड़ने की बातें हम इसलिए करते हैं हम पढ़ते नहीं हैं जरूरत समर की है कि सहाबा को पढ़ा जाए मैं यकीन के साथ कहता हूँ मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ मैं ये बात अजम बिल जलम के साथ कहता हूँ अगर सिद्दीक को दिल लगा कर बंदा पढ़ ले अल्लाह की कसम जो जबान सिद्दीक की मनकबत पढ़ लेती है उसके सीने में सिद्दीक का बोध नहीं रहता और जो बंदा फारूक आदम को दिल लगा के पढ़ लेता है लड़ने की बातें खत्म हो जाती हैं जो उस्मान गनी की वफाओं को पढ़ लेता है वो कब लड़ने की बात करता है जो अली मुर्तदा का तज़किरा पढ़ लेता है वो कब लड़ने की बात करता है लड़ोगे 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 क्या लड़ोगे किससे लड़ोगे कोई जरूरत नहीं है लड़ने की जरूरत पढ़ने की है पढ़
करते नहीं हो तुम, इसीलिए तो हम मस्जिदों में बटे हुए, हम फिरकों में बटे हुए, हम जमातों में बटे हुए। एक माँ के बतन से दो बच्चे पैदा होते हैं, इसकी एक की मस्जिद इधर है, दूसरे की मस्जिद उधर है, एक की नमाज का टाइम और है, दूसरे की नमाज का टाइम और है, एक और तरह का जनाजा पड़ता है, दूसरा और तरह का पड़ता है। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ने की कोशिश किया करो। घर में सहाबा की अजमत की किताब रखो, मिठाइयां के डब्बे ना लेके जाया करो, हदीस की किताब गिफ्ट दिया करो, हदीस की किताब तोहफा दिया करो, और हदीस की किताब और इन्ना दा मौसम बनाओ। मुहर्रम हराम चल रहा है, किसी अल जाना है, मिठाई का डब्बा लेके नहीं जाना, सहाबा की अजमत की को किताब लेके जाना है। रबीउल अव्वल चल रहा है, मिठाई के डब्बे की लोड़ कोई नहीं, मेरे नबी की सीरत की किताब किसी वाल लेके जाओ। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, कुरान पाक तर्जमे वाला लेके जाओ। बदलो अपने आप को, तब्दील करो अपने आप को, एक जहालत नहीं कि होर क्या है। जहालत का एंड इत्थे आखरा है, कौम खान नू पैसे नहीं लगते, कौम नू खान नू रोटी नहीं लगती, घरे दाल पकान तो तंगे। पीर साहब कह दिन बकरा पूरा देना सदका, अगले दिन ही बकरा दे देगा, भावे बच्चियां नू रोटी लब्बे ना लब्बे। हम इतने जाहिल हो चुके हैं, हम दीन से इतने दूर हो चुके हैं, हम शरीयत से 100 कौमील दूर हो चुके हैं, हमारी जहालत हमें डबोती चली जा रही है। हमें निकलना पड़ेगा, हमें होश के नाखन देने पड़ेंगे, हमें सहाबा को पढ़ना पड़ेगा। मेरा आज का पैगाम आपको यही है, आप पढ़ो कुरान करीम को, आप पढ़ो मसला खत्मे नबूवत को, खुद पढ़ो हदीस को, खुद पढ़ो मेरे पैगंबर के सहाबा को, खुद पढ़ो आले मोहम्मद को, खुद पढ़ो आले अकील आले अली को, खुद पढ़ो उन महातुल मोमिनीन को, खुद पढ़ो अहले बैत को। इंशाल्लाह जब तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, जहालत भी खत्म हो जाएगी, फिरका वारियत भी खत्म हो जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमा दुखी दिलों को दुख दूर फरमा या अल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस के कलमीनी और मुंतजमीन खाना पकाने वाले अहबाब अल्लाह सबको बरकत अता फरमा जजाय खैर अता फरमा इस कॉन्फ्रेंस के लिए दाम दिल में सुखने जिसने जितना भी तामन किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह वतन अजीज़ को सैलाबों से महफूज फरमा अजाबों से महफूज फरमा महंगाई से महफूज फरमा व दहशत गर्दी से महफूज फरमा बल्कि पाकिस्तान की सरहदों पर खड़े होने वाले फौजी जवानों के कदमों को मजबूत फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक।